अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज्जा की रेसिपी। ब्रेड पिज्जा बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। ये देखिए कितने अच्छे से घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा ब्रेड पिज्जा बनकर तैयार होता है। आप ब्रेड पिज्जा को एक बार जरूर बना लें। मेरी रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक करें, मेरा चैनल हयात किचन को सब्सक्राइब करें। आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। चलिए ब्रेड पिज्जा को बना लेते हैं। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए पहले हम कुछ वेजेस को सौते कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन में आधा टीस्पून बटर को डालेंगे। बटर को हमें मेल्ट होने देंगे। आप घी या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बटर ही इस्तेमाल करना चाहिए। बटर हमारा मेल्ट हो गया है, अब इसमें एक कटोरी डालेंगे लगभग 4 टीस्पून प्याज को क्यूब में कट करी हुई। एक दरमियाने साइज का शिमला मिर्च को डालेंगे। हल्का सा बटर में भून लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च हल्के से भुन गए हैं, अब इसमें दरमियाने साइज का एक टमाटर, टमाटर के पल्प को निकाल लिया है और इसके भी क्यूब्स बना लिए हैं, इसे भी अब हम पैन में डालेंगे। हाई फ्लेम पे इसे भी भून लेंगे। अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च को डालेंगे। बस इतना ही हमें इनको भूनना है, इसको निकाल लेंगे। पैन में मैं और 1/2 टीस्पून बटर को डाल रही हूँ। बटर हमारा मेल्ट हो गया है। मैं यहाँ पर लगभग 25 ग्राम पनीर को ली हूँ। पनीर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, उसे अब हम बटर में फ्राई कर लेंगे। पनीर में हम डालेंगे थोड़ा नमक, 1 चुटकी काली मिर्च और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल के इसे अच्छे से पैन में घुमा लेंगे। बस इतना ही हमें इसे पकाना है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम पिज्जा का बैटर बना लेंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अंडों को लिया है। अंडों को तोड़ लेंगे एक बोल में। अंडों में अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून डालेंगे ओरिगेनो। और अब हम अंडों में डालेंगे 4 चम्मच के करीब दूध को मिला लेंगे। अच्छे से अंडों में इन सब मसालों को मिला लेंगे। अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। मैं यहाँ पर 4 ब्रेड्स को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप चाहे तो 4 ब्रेड का बनाए, नहीं तो 2 ब्रेड का बनाए, 2 ब्रेड पीसेस का। आपका पैन कितना बड़ा है उस हिसाब से आप बना ले। मैं यहाँ पर मीडियम साइज का पैन को लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर 4 ब्रेड पीसेस को लिया है। अब हम ब्रेड पीसेस को अंडे के बैटर में डालेंगे। ब्रेड पीसेस को अंडे के बैटर में अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे। ब्रेड पीसेस को अंडे के बैटर में मिला लिया है। अब हम पैन में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बटर को। बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है। ब्रेड के बैटर को पैन में डालेंगे। इस तरह से बैटर को अच्छे से फैला लेंगे पैन में हमारे।
अब हम पैन को लिड लगाकर लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 3 मिनट हो गया है हमारा ब्रेड पिज्जा का बेस, अब इसे हम पलट लेंगे। आप कंफर्टेबल हो तो ऐसे ही पलट लें, नहीं तो इस तरह से एक प्लेट को डाल लें और एक कपड़े की मदद से इस तरह से हमारे पिज्जा के बेस को फ्लिप कर लें। हमारे पिज्जा के बेस को दोबारा से पैन में डाल लेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ कर लिया है और इसका आगे के प्रोसेस को देख लेंगे। हम यहाँ पर पिज्जा सॉस को तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पर 2 बड़े टेबलस्पून भर के टोमेटो केचप को लिया है। केचप में डालेंगे हम 2 टीस्पून भर के चिल्ली सॉस, 1/2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो को डालेंगे। अब इन सबको केचप में अच्छे से मिला लेंगे। आपके पास पिज्जा सॉस हो तो पिज्जा सॉस को लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप पिज्जा सॉस को तैयार कर लें। अब सॉस को हम हमारे बेस पर फैला लेंगे अच्छे तरह से। सॉस को मैंने लगा लिया है, अब इस पर डालेंगे हम चीज को। मैं यहाँ पर मोजरेला चीज को डाल रही हूँ, आप चाहे तो प्रोसेस चीज और या तो स्लाइड्स को भी डाल सकते हैं। चीज को मैंने डाल लिया है, अब इस पर हम हमारे वेजेस को लगा लेंगे। अब हम पनीर को लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें कॉर्न्स को डाल सकते हैं, मशरूम, चिकन, बॉईल किया हुआ चिकन को लगा सकते हैं। आपको कैसा पसंद है उस तरह से आप झटपट से पिज्जा को बना सकते हैं। अब हम पिज्जा पर डालेंगे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और थोड़ी सी काली मिर्च को। अब हमारे पैन को गैस स्टोव पर रख लेंगे। अब इसे हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक हमारा जो ये चीज इस्तेमाल किया हुआ है वो मेल्ट होने तक अभी से हम ढककर पका लेंगे। फ्लेम को लो ही रखना है, नहीं तो जल जाएगा, ब्रेड बहुत जल्दी जलता है, इसलिए हमें फ्लेम को लो रखना है। ये देखिए हमारा पिज्जा पककर तैयार है। जो हमारा मोजरेला चीज है वो मेल्ट हो गया है बिल्कुल। फ्लेम को ऑफ करके इसे अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा पिज्जा बिल्कुल बनकर तैयार है, अब इसे हम कट करके देखेंगे। ये देखिए हमारा पिज्जा बिल्कुल बनकर तैयार है। आप पिज्जा को जब आपका मन चाहे बनाकर खा लें, अपने बच्चों को खिला लें, ब्रेकफास्ट में जरूर बना लें। आप आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो रेसिपी को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।